देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। लखना दौन सिवनी जिले के धनौरा विकासखंड के तुआ घोघरा गांव में इस वर्ष भी लगातार 31वें वर्ष किया गया पट बैल जोड़ियों की प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में प्रथम इनाम विजेता बैल जोड़ी के किसान को एक फ्रिज, दूसरी बैल जोड़ी को वॉशिंग मशीन एवं तीसरी बैल जोड़ी के किसान को सोफा सेट दिया जाएगा एवं अन्य सभी बैल जोड़ियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पूरा कार्यक्रम तुआ घोघरा ग्राम में रखा गया। यह पट प्रतियोगिताओं सिवनी जिले के विकासखंड बरघाट, छपारा, धनौरा, केवलारी क्षेत्रों में बरसों से आयोजित की जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह आयोजन हमारे पुश्तैनी कार्यक्रम है, जिसमें लोग 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक से इस प्रतियोगिता में किसान अपनी बैल जोड़ी को लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने कार्यक्रम में पहुंचते हैं एवं इस कार्यक्रम को देखने दर्शक 50 से 100 किलोमीटर की दूरी से देखने पहुंचते हैं। स्थानीय समितियों के द्वारा इस प्रतियोगिता के नियम और कानून बनाए जाते हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 80 जोड़ियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की मुख्य बातें, एक छोटी सी बैलगाड़ी रहती है जिसमें दो बैलों को उसमें बैलों के द्वारा उस बैलगाड़ी को दौड़ाया जाता है। एक निश्चित रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते के जरिए ही बैल जोड़ी मालिक अपने बैलों को उस बैलगाड़ी के जरिए दौड़ाते हुए ले जाते हैं। अगर बैल जोड़ी रास्ते में भटक जाती है तो उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में दो दो बैल जोड़ी ही एक साथ भाग लेती हैं। सभी बैल जोड़ियों को अलग अलग राउंडों में दौड़ाकर फिर सेमीफाइनल जोड़ी निकाली जाती है। इस अंतिम जोड़ी को दौड़ाकर फिर फाइनल का चयन होता है, जिसे प्रथम विजेता का पुरस्कार दे दिया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में दर्शकों के लिए स्थानीय दुकानदार चाय नाश्ते की दुकानें भी बड़ी तादाद में लगाते हैं। बड़ी दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शक आयोजन स्थल पर पहुंचते हैं और बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का आनंद उठाते हैं। बड़ी टक्कर की जोड़ी जान नंबर 2 जान नंबर 1 की जोड़ी विजय हुई है। बड़ी मशक्कत के साथ में इस जोड़ी ने मैदान पार की है और इनका समय सीमा तुआ घोघरा में पट प्रतियोगिता चल रही है। ये कार्यक्रम यहाँ कहाँ कहाँ होता है और लगभग कितनी बैल जोड़ी भाग ली हैं और आपका क्या नाम है बताएं थोड़ा सा। जी मैं इस बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। मेरा नाम भजन सिंह भलावी है, आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। लगभग कितनी बैल जोड़ियाँ यहाँ भाग ले रही हैं? यहाँ पर बैल जोड़ियाँ कुल 80 जोड़ी यहाँ भाग ले रही हैं। तो अभी प्रतियोगिता चल रही है, उसमें से कितनी फाइनल हुई हैं, क्या है आपका ये जो टोटल खेल है कैसे चलता है? ये खेल ऐसा चलता है, 80 जोड़ियाँ को 40 जोड़ी बना करके प्रथम चक्र में निकाल दिए हम, और उसमें से जो 40 जोड़ी जीत कर आई हैं उनके बीच में फाइनल लिया जा रहा है। कितने कितने पे से फाइनल लिया जा रहा है? फाइनल तो सभी के बीच में लिया जा रहा है, परंतु जो जो बैल जोड़ी कितनी फाइनल जोड़ियाँ हुई हैं उसमें से कैसा क्या गेम होता है? ये पॉइंट के ऊपर चलता है, 40 जोड़ियाँ बना करके उनका 20 जोड़ी बना करके फाइनल में लगाया गया है, और जो बैल जोड़ी कम समय में अपना मैदान पार करेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे का अब हकदार बनेंगे। इसमें प्रथम जोड़ी को कितना इनाम है? फ्रिज। हाँ अब बताएं। फ्रिज प्रथम जोड़ी का फ्रिज मिलेगा उसको, प्रथम जोड़ी प्राप्त करने वाले को, और दूसरी जोड़ी वाले को, दूसरी जोड़ी वाले को वॉशिंग मशीन, तीसरा और तीसरे को सोफा सेट। तुआ घोघरा ग्राम पंचायत और हमारे तुआ घोघरा में 31वां वर्षगांठ चल रहा है। जो बुजुर्ग लोग चलाते रहे हैं उसको हम लोग चला रहे हैं, और ये जो है 25 रुपये एंट्री थी, तब से हमारे ग्राम तुआ घोघरा में इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और क्षेत्र में हमारे
इस ग्राम पंचायत तुआ घोघरा के अंतर्गत ये जो मैदान है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर जो है 80-90 किलोमीटर दूर तक के बैल जोड़ी आते हैं और ये जो है क्षेत्रीय मैदान है, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होता है और हर वर्ष जो है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में रखते हैं। धन्यवाद। सलाम जी, ये पट प्रतियोगिता कब से होते आई हैं और कैसे आयोजन होता, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मेरा परिचय, प्रेम सिंह सलाम, मुकाम गौरी, धनौरा जिला सिवनी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, वर्तमान में प्रांतीय कौंटी धर्माचार। यह जो प्रतियोगिता है काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से किसान भाई जो है बैलों की अच्छी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात उनकी कीमत जो है कई गुनी बढ़ जाती है और उसके माध्यम से किसान लोग अच्छा पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि बैलों की सेवा हो रही है और उनमें से देखा जाता है ज़िले भर से, यहाँ पर इस मैदान में ही नहीं ज़िले भर में ये प्रतियोगिता का आयोजन होते रहता है और एक अच्छा लगभग कितने दूर दूर से लोग यहाँ पट प्रतियोगिता देखने आए? यहाँ पर 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं किसान वाले। सवाल रहता है कि उस पट प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए बैल जोड़ी प्रतियोगिता जो है ये अपने किन किन क्षेत्रों में होती है? अपने नौरा ब्लॉक में भी होती है, तुलारी ब्लॉक पर भी होती है, बरघाट में भी होती है, धनौरा ब्लॉक में भी पट जोड़ी होती है, तुलारी ब्लॉक में भी होती है, ठीक, बरघाट एक नंबर। खबर समय जगत के लिए लखनादौन से निकेलाल अहिरवार की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।